मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सीजनल आंवले और हरी मिर्च का अचार। इंस्टेंट अचार है, उसी वक्त बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही जल्दी बनता है। आंवले आंवले जो होते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं, हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है, एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे बालों के लिए फायदेमंद है, आंखों के लिए फायदेमंद है, हमारे लिए तो फायदेमंद है, हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। इसे हमें जरूर लेना चाहिए जब इसका सीजन हो। आजकल सर्दियों के दिन है तो बाजार में खूब आंवले मिल रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं आंवले का अचार बनाना। देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। आंवले का और हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए आंवले, हरी मिर्च, लाल देखी मिर्च, नमक, हल्दी, हींग और सरसों का तेल। आइए बनाना शुरू करते हैं हम अपना आंवले का अचार। हम गैस को खोल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। कोई भी अचार हम बनाएं उसमें सरसों का तेल तेल जो है खुला होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अचार जो है हमारा जल्दी खराब नहीं होता है। हमने जो है 1.5 बड़ी कड़छी जो है हमने सरसों के तेल की डाली है। इसमें इसको हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं। हमने ये आंवले लिए हैं, ये 250 ग्राम आंवले हैं। बाजार में बहुत ही अच्छे आंवले जो है आ रहे हैं, इसको देख कर लें, अच्छे मोटे आंवले आप ले देख कर। 250 ग्राम आंवले हैं, हमने इसको अच्छे से धो लिया है और 10-12 जो है हमने हरी मिर्ची ली है। तो इसका हम अचार डालेंगे, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। जितने हमारा तेल गर्म हो रहा है हम जो है हरी मिर्चों को काट कर तैयार करते हैं। इसकी हमने डंडियां जो है इस तरह से निकाल लेनी है और इस तरह से बीच में कट डाल देंगे। इस तरह से हम इसमें कट डाल लेंगे और बीच में से चाहे तो आधा आप काट सकते हैं। इस तरह से साइज जिसका आप ना चाहे तो ना काटें, आपकी मर्जी है। इस तरह से बीच में कट डालेंगे और बीच में से काट लेंगे। मिर्ची आजकल कड़वी होती है तो पूरी मिर्च तो खाई नहीं जाती है, इसलिए थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं इसको, ताकि जितना आपकी मिर्ची जो है वेस्ट ना जाए। तो आइए हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं अपना आंवलों का अचार। तेल हमारा गर्म हो गया है, हमने जलाया नहीं इसको, हमने गर्म ही करना है। इसमें हम डाल देंगे अपने आंवले। आंवले हमने अच्छे से धोकर सुखा लिए हैं, तेल हमारा खुला है, इसमें हमने आंवलों को फ्राई कर लेना है। इसको हिला लेंगे, इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारे आंवले जो है सही तरह से सब जगह से फ्राई हो जाए। आंवले जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं। तकरीबन हमने इसमें 1/2 चम्मच जो है नमक का डाला है। हमने नमक इसमें थोड़ा सा पहले इसलिए डाला है कि एक तो हमारे तेल में से स्मेल नहीं आएगी और दूसरा कि जो आंवले हैं हमारे उसे जल्दी गल जाएंगे। आप इस तरह से इसको लगातार हिलाइए तभी जो है हमारा अचार अच्छा बनेगा। आंवलों का सेवन हमें जरूर करना चाहिए और कोशिश करें कि घर में बच्चे भी इसको लें, क्योंकि इसके बहुत ही, जैसे कि मैंने बताया, इसके बहुत ही फायदे होते हैं, तो इसे जरूर लेना चाहिए। देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने डाला इसके अंदर, आप देख सकते हैं किस तरह से ये अंदर चला गया है, ये सॉफ्ट होने लगा है, कलर भी इसका जो है चेंज हो रहा है सारी तरफ से। तो थोड़ी देर हम इसको और कर देते हैं, गैस को मीडियम कर लेंगे। मीडियम गैस पे ही हमने इसको जो है बनाना है, बहुत तेज भी नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं कलर इसका अच्छा चेंज हो गया है, अच्छे तरह से ये सब जगह से फ्राई हो गए हैं। गैस को कर देते हैं बंद और इसमें डाल देते हैं अपने मसाले। इसमें डालेंगे हम नमक 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम नमक पहले भी डाल चुके हैं। इसमें डालेंगे लाल मिर्च 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और ये जो अपने हमने हरी मिर्च काट कर रखी है वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको मिला लेंगे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्टी अचार हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसे हम किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, कांच के कंटेनर में भरकर
रख सकते हैं और इसे जब चाहे आप खाएं। अचार हमारा बनकर तैयार है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।